हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल मुकेश रेहटेक। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे पर्वत से रिलेटेड क्वेश्चन। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अगले वीडियो में आपको पर्वत के बारे में रिलेटेड क्वेश्चन देंगे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो भूभाग अपने आसपास के क्षेत्र से 2000 फुट से अधिक 2000 फुट से अधिक ऊंचा हो पर्वत कहलाता है। किसने कहा इसने, जैसे कि जो भूभाग यानी कि जो धरातल से 2000 फुट की ऊंचाई पर होगा उसे पर्वत कह रहा था, किसने कहा था? वो कहा था प्रोफेसर फ्रिच, प्रोफेसर फ्रिच ने कहा था। अब चलते हैं हम आगे क्वेश्चन पर, क्योंकि हम इसको कर देते हैं यहाँ। देखिएगा, लंबी व संकरी पहाड़ियों के क्रम क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं पर्वत कटक। पर्वत कटक, पर्वत कटक का उत्तम उदाहरण कौन सा है? ब्लू रिज कटक, अपलेसियन, अपलेसियन, ठीक है। अनेकों अनेक कटकों, शिखरों व घाटियों से युक्त पहाड़ियों का लंबा क्रम क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? पर्वत श्रेणी विभिन्न युगों में विभिन्न प्रकार से निर्मित लंबे व संकरे पर्वत, जिनके मध्य पठार भी स्थित होते हैं, क्या कहलाते हैं? पर्वत श्रृंखला, पर्वतमाला, ठीक है। पर्वत श्रृंखला का उदाहरण कौन सा है? एल्यूशियन। कौन सा होगा? एल्यूशियन। एक ही युग में निर्मित लंबाकार समांतर पर्वत श्रेणियों के समूह, जिनके मध्य घाटियां पाई जाती हैं, क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? पर्वत तंत्र। क्या कहलाते हैं? पर्वत तंत्र। पर्वत तंत्र का उदाहरण कौन सा है? अपलेशियन पर्वत समूह। कौन सा होगा? अपलेशियन पर्वत समूह। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर और इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं जिससे कि आपको क्लियर इसे दिखाई दे सके। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किसी पहाड़ का सबसे ऊंचा पिरामिड, जैसे नुकीला अथवा गुम्बदार, यानी कि गुम्बदार भाग क्या कहलाता है? पर्वत शिखर, यानी कि पर्वत शिखर होता है। माउंट ब्लैक, एवरेस्ट, एवरेस्ट का नाम सभी ने सुना होगा, जिसकी जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कंचन गंगा, एकांक गुआ, माउंट मैंगले, किसके उदाहरण है? पर्वत शिखर। किसके हैं? पर्वत शिखर। 4 करोड़ वर्ष पूर्व, यानी कि 4 करोड़ वर्ष पहले कैम्ब्रियन तथा पूर्व कैम्ब्रियन युग में हुई पर्वत निर्माणकारी हलचलें क्या कहलाएं? तो चर्नियर, चर्नियर हलचल, चर्नियर हलचल। अब देखेंगे, जैसे अरावली का आपने सुना होगा, जो कि कोलकाता के साइड है, अरावली पर्वत, तो ये पर्वत ही है। 4 करोड़ वर्ष पूर्व कैम्ब्रियन तथा पूर्व कैम्ब्रियन युग में पर्वत निर्माणकारी हलचलें क्या कहलाएं? चर्नियर हलचल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरावली, धारवाड़, छोटा नागपुर, कडप्पा किसके अंतर्गत आते हैं? तो चर्नियर हलचल के ही अंदर आते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि 32 करोड़ वर्ष पूर्व, यानी कि 32 करोड़ वर्ष पूर्व सिल्यूरियन डेवोनियन युगों के मध्य कौन सी हलचलें हुई थी? वो है कैलिडोनियन। कौन सी हुई थी? कैलिडोनियन। अब देखेंगे अपलेसियन, और ये वाला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, जैसे कि मैं यहाँ पर कर्सर छोड़ देता हूँ जिससे कि आपको क्वेश्चन पता चल सके। अपलेसियन, यूरेगियन, बॉगलैंड, सहराई मोड तथा तारीमुंडा पर्वतों का उद्भव किस किसके अंतर्गत हुआ था? तो केलोडोनियन हलचल। 22 करोड़ वर्ष पूर्व कार्बन पमरियन, जैसे परमियन युगों के मध्य कौन सी हलचलें हुई थी? हर्शियन, ठीक है। कौन सी हुई थी? हर्शियन। पेनाइन, हार्टज, बॉस्टेज, ब्लैक फॉरेस्ट, थ्यानसान, अल्टाई, थिंगन, जिगोरिया, तारेम बेसिन, पूर्वी कार्डिलेरा,
पर्वतों का उद्भव किसके अंतर्गत हुआ था? हर्शियन हलचल। 3 करोड़ वर्ष पूर्व यानी कि 3 करोड़ वर्ष पहले कौन सी पर्वतीय हलचलें हुई? तो अल्पाइन हलचल। कौन सी हुई थी? अल्पाइन हलचल। रॉकी एंडीज, एल्बोर्ज, जैगरास, हिंदू कुश, हिमालय, काराकोरम, अराकन। पर्वतों का उद्भव कैसे हुआ, किससे हुआ? अल्पाइन हलचल से। शैल पर्वतों में अंतर जा शक्तियों द्वारा बलन पड़ने पर कौन से पर्वत उत्पन्न होते हैं? बलित पर्वत। कौन से होते हैं? बलित पर्वत। बलित पर्वतों को कितने वर्गों में रखा गया है? प्राचीन व नवीन। प्राचीन बलित पर्वत कौन से हैं? अपलेशियन, अरावली, विंध्याचल। नवीन बलित पर्वत कौन से हैं? रॉकीज, एंडीज, आल्पस और हिमालय। आसपास के धंसे हुए भागों के मध्य ऊंचे उठे पर्वत क्या कहलाते हैं? ब्रह्मशोथ। ब्रह्मशोथ के विपरीत दो उठे हुए भागों के मध्य धंसा हुआ भाग क्या कहलाता है? वो कहलाता है भूभ्रंश घाटी। भूभ्रंश घाट, भूभ्रंशन क्या होता है? जैसे कि पत्थर टूट टूट नीचे गिरते हैं, उसके साथ में जो सरकते हैं पत्थर, उसे बोला जाता है भ्रसन। और उसी के विपरीत जैसे ये बोला गया कि जहाँ दसी भावों के मध्य जो भ्रतुष्ट भ्रंशोत से बोला जाता है ऐसे। अब देखें पाकिस्तान में ब्लॉक पर्वत का महत्वपूर्ण धार कौन सा है? सॉल्ट रेंज का। कौन से पर्वत धरातल पर मलबा, लावा इत्यादि पदार्थों के संग्रह से उत्पन्न होते हैं? तो संग्रहित पर्वत। सास्ता एवं रेनियर संग्रहित पर्वत कहाँ स्थित है? तो वो है अमेरिका में। कहाँ पर है? अमेरिका में। फ्यूजियामा संग्रहित पर्वत कहाँ स्थित है? जापान में। मेयान संग्रहित पर्वत कहाँ स्थित है? फिलीपींस में। कहाँ पर? फिलीपींस। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि फोटोपैक्सी संगीत पर्वत कहाँ स्थित है? इक्केबेडोर में। एकांत गुआ संगीत पर्वत कहाँ स्थित है? चिली में। पोपो कैटी पेटल संगीत पर्वत कहाँ स्थित है? मैक्सिको में। लासन पीक संगीत पर्वत कहाँ स्थित है? कैलिफोर्निया में। पूर्व निर्मित किसी भी प्रकार के पर्वतों के अपरदन से उत्पन्न पर्वत क्या कहलाते हैं? घर्षित पर्वत। अमेरिका में कौन कौन से घर्षित पर्वत हैं? ओजार्क। तो आज की इस वीडियो में आपने देखा कि पर्वत के बारे में जो भी क्वेश्चन थे, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में बने रहें, नेक्स्ट वीडियो आने वाली है जिसका नाम है पर्वत चोटियां। क्या होगा अगला क्वेश्चन जो जीके रिलेटेड है कि पर्वत चोटियों के बारे में पूछा जाता है बहुत से एग्जाम में, क्योंकि वो सिलेबस पर डिपेंड करता है। जिसके में जीके होगा उसमें ये क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।